आज के युग में भी संतों का अपमान करने की होड़ लगी हुई है। आजकल तो संतों का अपमान करने के खातिर, करने के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बन रही हैं। पिक्चरों के द्वारा ये षड्यंत्र चल रहा है कि आजकल के युवा मूवी ज्यादा देखते हैं, तो मूवी में ही वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं कहानी को कि वो संतों का अपमान, वहां से निकल करके बच्चे संतों का अपमान, संतों पर कटाक्ष और उंगली खड़ी करते हैं। आज इसका विश्लेषण मैं थोड़ा करूंगा आपके मध्य कि संतों का होना जरूरी है या नहीं। जरूरी है तो क्यों, और पिक्चर बनाने वाले संतों को क्यों टारगेट करके पिक्चर बना रहे हैं, संतों से संतों ने उनका क्या बिगाड़ा है। तो आज मैं बताऊं कि बॉलीवुड अर्थात पिक्चर की दुनिया, मूवी की दुनिया, हीरो हीरोइन की दुनिया और संतों की दुनिया में अंतर क्या है, और मूवी बनाने वाले डायरेक्टर हों या सुपर डुपर स्टार आपके हीरो हीरोइन हों, वो संतों से नफरत क्यों करते हैं, उसका एक कारण है। वो कारण आज जब आप जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। उस कारण को आज मैं आपके सामने रखूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संतों के लिए पिक्चर बना दी बदनाम करने के लिए। संतों को तो ठीक है, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के लिए भी पिक्चर बनाई। मैं कुछ पिक्चरों के नाम भी आपको बताऊंगा, वैसे आप समझ लेंगे कहानी सबको पता है। अब चलते हैं गहराई में। संत कहते हैं कि शराब ना पियो, संत कहते हैं कि शराब ना पियो, संत कहते हैं कि शराब ना पियो, और पिक्चर बनाने वाले कहते हैं कि शराब पियो, क्योंकि उन लोगों का तो वो तो शराब की कंपनियों के एजेंट हैं, सुपर डुपर स्टार, क्योंकि वो लोग तो शराब को प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं शराब का, शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार, पैसा लेकर पिक्चरों में गाने बनाते हैं। शराब जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, गाने बनाए। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, ये गाने किसके हैं, मूवियों के हैं, पिक्चरों के हैं। संत कहते हैं कि शराब ना पियो, हमारे देश का कोई भी संत क्या ये कहता है कि शराब पियो, नहीं। संत कहते हैं शराब ना पियो, और पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं, पियो। तो दोनों के विचार अलग अलग हैं। तो जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, आपके सुपर डुपर स्टार लोग, शराब बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि अरे ये साधु संत तो हमारी शराब की दुकान में ताला लगवा देंगे, तो उन्होंने सुपर डुपर स्टारों को पैसा दिया, बोले चलो पिक्चर बनाओ, संतों के खिलाफ इनको बदनाम करो, इनको बर्बाद करो, इनको, ताकि आने वाले बच्चों में किसी की श्रद्धा साधु संतों पर ना रह जाए। जब श्रद्धा नहीं होगी तो उनकी बात ये लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसा एक षड्यंत्र चल रहा है कि आपके बच्चों को ऐसा उनके दिमाग में भर दिया, जैसे आतंकवादी होते हैं ना, वो आतंकवादी सामान्य आदमी को पकड़ कर ले जाए तो वो ऐसा उनको समझा देते हैं कि फिर वो माइंड वॉश कर देते हैं, कि फिर वो अपने शरीर में बम बांध के चलने लग जाता है। हाँ या ना, पाकिस्तान क्या करता है, सामान्य आदमी को पकड़ता है, आतंकवादी बना देता है, भर देता है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। उसी तरह तुम्हारे बच्चों को ये पिक्चर बनाने वाले उनके दिमाग में ये चीज सेट कर रहे हैं कि ये साधु संत तो गलत होते हैं, तुम्हारे बच्चों को ऐसा बताते हैं कि साधु संतों के पास ना जाना, वो तो ढोंगी होते हैं, वो तो ठग लेते हैं। क्यों, जबकि संत कहते क्या है, शराब ना पियो,
केवल शराब पीने से आपको मना करते हैं। आप में से अभी यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुनने के बाद शराब छोड़ी हो? यदि आप में से एक भी कोई ऐसा है तो हाथ उठा सकता है जिसने कथा सुनने के बाद शराब छोड़ी हो। ये देखिए, एक ये है, एक वो है, तीन भैया आगे बैठे हैं। मतलब इतनी भीड़ में 10-12 लोग दिख रहे हैं। सोचो इतने में 10-12 लोग हैं तो पूरे देश में इस कथा का कितना प्रभाव होगा, आप सोच सकते हैं। तो शराब वाली कंपनियां डरने लग गई हैं संतों से कि ये तो ताला लगवा देंगे दुकानों पर। तो फिर उन्होंने षड्यंत्र के तहत मूवियां बनवाई, पिक्चरें बनवाई कि संतों को आप केवल गलत बताओ। इसलिए आज के नौजवान बच्चों के अंदर साधु संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माना कि कुछ संतों ने भी अपने साधुता का दुरुपयोग कर लिया। माना कि कुछ संतों ने भी अपनी साधुता का दुरुपयोग किया, पद का दुरुपयोग किया, तो लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये पांचों उंगली एक सी होती हैं? क्या एक बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया तो क्या मां बाप बच्चे पैदा करना छोड़ देते हैं? माना कि हर फील्ड में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग होते हैं, उसी प्रकार कुछ अच्छे साधु हैं तो कुछ बुरे भी हैं। इसलिए बुरे हैं उन्हें आप पहचानो। बुरे साधु आज हैं ऐसा नहीं, त्रेता में भी थे। रावण साधु का रूप बनाकर ही सीता मां को चुराने गया था। रावण सीता मां को चुराने किस रूप में गया था? साधु के रूप में। क्यों? क्योंकि साधु संतों के इस स्वरूप पर लोग विश्वास अधिक करते थे, अधिक करते हैं कि भाई साधु है गलत नहीं होगा। पर जब कोई गलत हो जाता है तो आपके विश्वास को ठेस लगती है, आपका हृदय टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, श्रद्धा आहत होती है लोगों की, भक्तों की। गलती एक करता है पूरा संत समाज बदनाम और शब्दों के कटघरे में जाकर के खड़ा हो जाता है, संदेह के कटघरे में। परंतु ये याद रखिएगा कि आज भी हमारे देश में जो संत हैं उन संतों के बल पर ही ये सनातन टिका हुआ है, ये धर्म टिका हुआ है। जो गलत हैं उन्हें गलत कहो, बुरा नहीं, पर जो सही हैं उन्हें सही भी कहो। एक साथ सबको गलत नहीं कहा जा सकता। ये देश संतों से ही तो जाना गया। इस देश में तुलसीदास जी जैसे महान संत हुए, सूरदास, रैदास, कबीरदास, रसखान जैसे महान संत हुए, पूज्य नीम करौली वाले महाराज जी जैसे महान संत हुए, पूज्य उड़िया बाबा जैसे संत हुए, ऐसे स्वामी श्री कर्पात्री जी जैसे अखंड, स्वामी श्री अखंडानंद जी जैसे, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, ऐसे महान संत हुए। श्री हमारे देश में संतों की कोई कमी रही है? पूज्य निम्बारकाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, मध्वाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, क्या कमी रही है हमारे देश में? कभी नहीं रही। ये देश संतों का ही देश है। हमारे यहां तो गृहस्थ में रहने वाले वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं, पर उन्हें संत कहते हैं। वशिष्ठ जी मतलब संत का मतलब जंगल में रहने वाले का नहीं,
पत्नी पति के साथ जो परिवार है और वो तरीके से है, ईश्वर के स्मरण में लगा हुआ सत्यनिष्ठ है, तो सुदामा को भी संत ही कहा जाएगा भले वो गृहस्थ है। तो हमारे यहाँ गृहस्थ हुए हैं जो कि संतों से कम नहीं, तो आपकी गृहस्थी यदि सही है तो आप भी संत हैं, आप भी अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, सेवा समाज की कर रहे हैं, तो आप भी तो संत हैं। संतों का देश, हमारे देश में कुंभ लगता है तो कुंभ की शोभा गृहस्थों से नहीं होती, कुंभ की शोभा संतों से। कुंभ में संत ही ना हो तो वो कुंभ कैसा। माघ के महीने में प्रयागराज में मेला लगता है, वहां संत ना हो तो माघ का महीने का मतलब कैसा। तो संतों से शोभा है इस देश की, संत हमारी मुकुट है, सिर मौर है। संतों से हमें ज्ञान मिलता है, सीखने को मिलता है। आज भी यदि इस कलयुग इतनी गुलामी आई हमारे देश में, इतने बड़े 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 देशों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, गुलाम बनाने के बाद हमारे वेद पुराणों को, ग्रंथों के, संस्कृति सभ्यता को, गुरुकुलों को नष्ट किया, फिर भी यदि संस्कृति बचाए रखा है किसी ने तो वो संत ही तो हैं जिन्होंने बचाए रखा है, वो ब्राह्मण ही तो हैं जिन्होंने बचाए रखा है। वरना रामचरितमानस को जला दिया था, सुना होगा आपने, नालंदा को, चाणक्य के लाइब्रेरी को जलाया था। 11 महीने तक आग जलती रही उनकी लाइब्रेरी में, आग को भी उनकी पुस्तकें जलाने में कितना समय लगा। उस समय भोज पत्र पर लिखा जाता था, उस समय कागज नहीं था, उस समय कागज नहीं था, क्या था, क्या था, भोज पत्र। पहले ताम्र पत्र होते थे, शिलालेख होते थे, शिलालेख, ताम्र पत्र, फिर भोज पत्र। भोज पत्र समझते हैं, हाँ, उस पर पहले लिखाई पढ़ाई होती थी, लिखते थे उस पर भोज पत्र। उसके बाद फिर कागज आया, कागज कलम दवाद, फिर पेन आए। धीरे धीरे तरक्की होती चली गई, पर हमारे पास यदि आज भी विरासत के रूप में हमारे वेद पुराण बचे हैं तो ये संतों की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा के बल पर, जिन्होंने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, बचे हुए। इसलिए वो संत कहते हैं शराब ना पियो, आध्यात्म की तरफ, ईश्वर के चिंतन में लगो। तो पिक्चर बनाने वालों को बात समझ में नहीं आई, उन्होंने अपमान पिक्चर बना बना। इसलिए अपने बच्चों को समझाओ कि बेटा जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लो। पिक्चर बनाने वाले, अब हमारे देश में कोई संत क्या ये कहता है कि तुम गुटखा खाओ? आज तक किसी संत ने कहा कि तुम गुटखा खाओ? संत कहते हैं गुटखा मत खाओ, संत कहते हैं तंबाकू मत खाओ, पर सुपर डुपर स्टार पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। बोलो हाँ। वो आपसे क्या कहते हैं कि आप गुटखा खाओ? वो आपको गुटखा बेच रहे हैं, खिला रहे हैं, और संत कह रहे हैं मत खाओ। तो संतों से तो वो दुश्मनी करेंगे ना, क्योंकि संत उनकी दुकान गुटके की और शराब की दुकान बंद कर रहे हैं। इसलिए वो संतों के अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पिक्चरें बना बना करके। अब बताओ, सुपर डुपर स्टार लोग कर रहे हैं ना प्रचार गुटके का? बोलो हाँ। अब जरा बताओ, क्या इनके पास खाने को रोटी नहीं थी जो ये गुटके का प्रचार करके पैसा कमा रहे हैं? क्या भूखे मर रहे थे? ना करते गुटके का प्रचार तो ये कौन से गरीब हो जाते?
क्या इनके घर का चूल्हा नहीं जलता? लेकिन ये लोग, अभी आप मुझे कहो, कोई कंपनी मेरे पास आए कहे महाराज जी मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं, आप गुटके का प्रचार कीजिए। कोई अनिरुद्धाचार्य को 100 करोड़ रुपए नहीं 1000 करोड़ रुपए देगा और कहेगा गुटके और शराब का प्रचार करो, तो साहब 100 करोड़ क्या, पूरी दुनिया वो मेरे नाम कर दे, पूरा देश मेरे नाम कोई लिख दे, तो भी मैं अपने नौजवान दोस्तों को गलत रास्ता नहीं बता सकता। हम बिकाऊ नहीं है ना, ये बिकाऊ है, ये तो ईमान बेच दें पैसे में, सब बेच ही रहे हैं, कौन सा नहीं बेच रहे हैं। इन्हें पैसे मिल जाए तो ये कपड़े उतार के फोटो खिंचा लेते हैं, अभी एक घोड़े ने खिंचाई थी, हाँ या ना, बोलो हाँ। इन्हें तो पैसे मिल जाए तो ये तो नंगे हो जाते हैं पब्लिक प्लेस में, हाँ या ना। और इन्हें आप लोगों ने क्या बना रखा है, सुपर डुपर स्टार। गलती उन लोगों की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने ही सही और गलत को पहचानने और समझने में देर कर दी। सही क्या है, गलत क्या है। और सुनिए, गुटखा तंबाकू आजकल टीवी पर बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार पता है किसका कर रहे हैं, जुए का। बोलो हाँ। मोबाइल पर एक ऐप आता है मेरी माँ, जंगली रमी इत्यादि, जुआ होता है वो, जुए का प्रचार कर रहे हैं सारे सुपर डुपर स्टार, सारे लगे हैं जुआ खेलो जुआ खेलो। संत कहते हैं जुआ ना खेलो, और ये लोग कहते हैं, मतलब जितने बिगड़े जितने गलत काम थे सनातन धर्म में, सारे गलत कामों का प्रचार पिक्चर बनाने वालों ने किया है, एक भी गलत काम छोड़ा हो तो मुझे उसका नाम बताओ। अश्लीलता संतों ने फैलाई कि इन लोगों ने, यहां तक तो ठीक। आजकल हमारे नौजवान बच्चे ये जुआ खेलने लग गए हैं, हजारों रुपए बिगाड़ रहे हैं, लाखों रुपए। बताओ आज तुम्हारा बेटा बिगड़ जाए, जुआ की लत पड़ जाए, तो उसके बिगड़ने के जिम्मेदार ये सुपर डुपर स्टार हैं या नहीं जो प्रचार कर रहे हैं जुए का, कौन जिम्मेदार है बताओ, कौन, जरा विचार करके बताना जिम्मेदार कौन है। एक बहुत पहले टीवी पर एड आता था, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार कर रहे हैं साहब, कोई भी हो देख लो आप, प्रचार किसका करते हैं ये लोग, अंडे का। और संत क्या कहते हैं, मांस। संतों की विचारधारा से इनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए ये लोग संतों को गालियां देते हैं। हर गलत काम का प्रचार ये लोग कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद गलत हैं, औरों को भी गलत। तुम्हारे बच्चों से कह रहे हैं जुआ खेलो, तुम्हारे बच्चों से कह रहे हैं ये सुपर डुपर स्टार लोग की ये मांस खाने की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, जुआ खेलने की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, अंडा खाने की बातें बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बताओ ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हुए या हितैषी हुए। इन दुश्मनों को आपने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। क्या बेच रहे हैं ये, पहले ये हिट होते हैं और उसे हिट होने के बाद अपने फेस वैल्यू के बल पर ये जुआ बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, शराब बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, हाँ या ना। और आप मूवियों के पीछे पड़े, 3 घंटे की पिक्चर देखेंगे आप, 200 रुपए की टिकट कटा के, 400 रुपए की टिकट करा कटा के, तो उससे सीखेंगे क्या अश्लीलता, अश्लीलता भरी बातें, पर 3 घंटे की कथा सुनेंगे तो वो सीख जाएंगे 3 घंटे में,
जो आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने आपको नहीं सिखाया वो आप 3 घंटे में गुरु शरण में बैठकर सीख जाएंगे, संत चरण में बैठकर सीख जाएंगे। अब सुनो, फिर उन्होंने एक पिक्चर बनाई कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। ठीक है, हम गरीबों में बांट देंगे भैया, हम तो बांट ही रहे हैं। गौरी गोपाल आश्रम में देखो रोज गरीबों की सेवा, भरपेट भोजन मिल रहा है। अब ये बताओ कि हम तो देखो कर रहे हैं, जरा बताओ कि पिक्चर बनाने वालों ने बता तो दिया कि करो गरीबों की सेवा, दूध मत चढ़ाओ शंकर जी पर। पूछो कि भाई तुमने कितने अन्य क्षेत्र खुलवाए, तुमने कितने गरीबों की सेवा की, ज्ञान है तुम्हें तो करो। नहीं, केवल ज्ञान बघारेंगे, बघारने का ज्ञान है, कर लो सेवा। ये बंबई में रहते हैं सारे सुपर डुपर स्टार, और बंबई में फुटपाथ पर लोग सोते हैं तो सोते हुए लोगों पर गाड़ी और चढ़ा देते हैं, ये लोग गाड़ी और चढ़ा देते हैं और बाद में ज्ञान देते हैं कि गरीबों की सेवा करो, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, तुम्हें बड़ी चिंता है गरीबों की। तो बनवा देते एक कॉलेज कि गरीब बच्चे पढ़ लेते वहां फ्री में, खुलवा देते एक आध दो यूनिवर्सिटियां, तुम्हारे पास तो हजारों करोड़ की संपत्ति है, करवा दो ना सेवा गरीबों की, खुलवाओ यूनिवर्सिटियां, कॉलेज पढ़ेंगे वहां गरीब बेटियां और बेटे पढ़ेंगे उनके। पर उपदेश करना सरल है, हम देखिए हम तो कोई सुपर डुपर स्टार नहीं है, हम तो कोई मूवी नहीं बनाते, लेकिन हम गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें वहां पर, अपने भारतीय शिक्षा को ले सकें। निःशुल्क व्यवस्था रहेगी बच्चों की पढ़ने लिखने खाने पीने रहने की। हम केवल बोलते नहीं हैं, करने पर विश्वास करते हैं। ये लोग केवल समाज को देश को भड़काते हैं, जहर परोस रहे हैं, ये मीठा जहर, और तुम्हें पता नहीं लग रहा तुम्हारे बच्चे किस तरह शिकार हो रहे हैं जुआ के। आज भारत के 100 में से 95 बच्चे सिगरेट पीते हैं, हां या ना, पूरा देश का गणित है ये। 95% बच्चे सिगरेट पीते हैं, 95% बच्चे शराब पी रहे हैं, और इसमें लड़के ही नहीं, अब लड़कियां भी सम्मिलित हो रही हैं, और ये लड़कियां भी शराब पी रही हैं। ये संतों की देन है या पिक्चर बनाने वालों की, सुपर डुपर स्टारों की? लड़कियों को तक पिलाना सिखा दिया साहब शराब, वो अभिनेत्रियां पीती हैं ना, तो ये घर की अभिनेत्री भी सोची मैं भी तो पीकर देखूं, ये भी भांगड़ा डिस्को एक साथ करती है पूरी रात पी पी के शराब। तुम्हारी बेटियां बिगड़ रही हैं, बेटे बिगड़ रहे हैं, कौन है जिम्मेदार, कौन है? क्या समाज, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने गलत बातें परोस दी? बलात्कार क्या होता है कोई नहीं जानता था, पिक्चरों में बलात्कार के सीन रख रख कर सिखा दिया कि बलात्कार ऐसे करना होता है। बोलो हाँ, एक समय पे ऐसी पिक्चरें बनती थी मैया, जिस समय के जिस पिक्चर में बलात्कार का सीन ज्यादा अच्छा होगा वो पिक्चर ज्यादा चल जाती थी। पिक्चर तो चल गई लेकिन नौजवान बच्चों के दिमाग में घुस गया कि वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, हो रहे हैं बलात्कार, कौन है इनका गुरु, कौन है इनका जन्मदाता? ये बलात्कार जैसा शब्द समाज में कहां से आया, हम तो नहीं जानते थे गांव में बलात्कार क्या होता है, पिक्चर ने सिखाया कि बलात्कार ये होता है। बोलो हाँ, बताओ। 1947 के बाद से, 1947 के देश की आजादी के बाद ऐसी कौन सी पिक्चर है, या चलो जब से पिक्चर जगत शुरू हुआ तब से मैं कह रहा हूं, ऐसी कौन सी पिक्चर है जो ये कहती है कि शराब ना पियो? सारी पिक्चरें ये बता रही हैं, सारे सुपर डुपर स्टार शराब पी के पिक्चरों में ये सीन रखते हैं शराब पीने का,
ताकि आने वाला यूथ भी शराब पिए। एक संत ही है जो कहते चले आए कि शराब ना पियो, शराब ना पियो, गुटखा नहीं, सब गलत रास्ता नहीं, जुआ नहीं, और ये प्रचार कर रहे हैं। एक भी पिक्चर, शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ इसकी पिक्चर है, शराब मत पियो इसकी कोई पिक्चर हो तो नाम बताओ, जिसमें ये कहा गया हो कि शराब ना पियो। बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है शराब पीने से, घर के चूल्हे बुझ जाते हैं शराब पीने से, बेटे के सिर से पिता का साया उजड़ जाता है शराब पीने से। कोई ऐसी पिक्चर हो तो मुझे नाम बताओ। दूध मत चढ़ाओ शंकर जी पर इसकी पिक्चर बनाई है। इन्हें शंकर जी का दूध तो खटक रहा था, पर शराब ये लोग पीते हैं इसलिए उसका विरोध नहीं करते। हम विरोध इसलिए कर लेते हैं शराब का, गुटखा का, क्योंकि हम स्वयं खाते नहीं हैं। गुटखा खाने वाला गुटखे का विरोध क्यों करेगा, शराब पीने वाला शराब का विरोध क्यों करेगा? तो ये लोग तो खाते हैं, इसलिए सुबह से शाम तक शराब के नशे में धुत रहने वाले लोग उपदेश कर रहे हैं कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो उनको बोल दो कि भैया दूध सस्ता होता है, शराब महंगी होती है। आदमी दूध चढ़ाता है शंकर जी को तो कितने रुपए का चढ़ाता है जरा बताओ, अधिक से अधिक 10 रुपए का, और अधिक तो 20 रुपए का, इससे ज्यादा का तो कोई दूध नहीं चढ़ाता होगा। मंदिरों में दूध बिकता है तो उससे लोगों को रोजगार मिल जाता है, और आदमी 5 रुपए 10 रुपए का दूध चढ़ा देता है, उसकी श्रद्धा है। यदि 10 रुपए में श्रद्धा यदि उसकी ठीक है कि शंकर जी पर दूध चढ़ाया जाए। अच्छा, शंकर जी पर दूध चढ़ाने की जो परंपरा थी वो बड़ी वैज्ञानिक थी, साइंटिफिक थी, लेकिन उस साइंटिफिक बात तक पहुंच पाना, उस साइंस तक पहुंच पाना, ये सुपर डुपर स्टारों की ताकत कहां थी? आज मैं आपको बताऊंगा कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, कारण क्या है। गहराई तक जाएंगे तो कुछ पाएंगे, ऊपर ऊपर बातें करने से लाभ नहीं। शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है, किस महीने में, जोर से बताना, शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है मैया, किस महीने में? ओ पंचायती मैया, शंकर जी पर दूध कब चढ़ाया जाता है? सावन में। सावन अभी कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। अब आषाढ़ में क्या आने वाला है? मानसून। देखिए अभी महीना भी वही चल रहा है तो मैं अभी से समझाता हूं आपको। अभी आषाढ़ चल रहा है, अभी कुछ दिन के बाद 12 जून के बाद मानसून आ जाता है भारत के कुछ कुछ हिस्सों में, और 25 जून तक लगभग पूरे भारत में ये मानसून फैल जाता है, समझो। आषाढ़ में होती है बारिश, पहली बारिश, सीजन की पहली बारिश होती है आषाढ़ में। बताओ जब आषाढ़ में पानी बरसेगा तो जमीन में घास किस महीने में होगी? सिंपल है कि आषाढ़ में पानी मिला जमीन को तो घास को होते होते सावन लग जाएगा, और सावन में जब घास होगी तो उस घास को गाय खाएगी। अच्छा, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि बारिश का पहला पानी नुकसानदायक होता है? क्यों नुकसानदायक होता है? क्योंकि जितना नीचे से प्रदूषण पॉल्यूशन ऊपर जाता है, वो पानी जो पहला पानी बारिश का गिरता है उससे वो सारा पॉल्यूशन प्रदूषण नीचे आता है। फैक्ट्रियों का धुआं, चिमनियों का धुआं, ना जाने कितना कितना सब आकाश में जा रहा है। दिन भर गाड़ियां चल रही हैं लाखों की मात्रा में, सबका पॉल्यूशन धुआं आकाश में ही जा रहा है। तो पहला पानी गिरता है तो आषाढ़ के महीने में वो सारा प्रदूषण ऊपर से नीचे आता है। उस प्रदूषित पानी की घास होती है, और उस घास को पैदा होने में आषाढ़ में पानी मिला तो सावन में घास थोड़ी बड़ी हुई तो गाय खाई, तो गाय ने जब खाई तो तुम्हारे और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, कितने बड़े वैज्ञानिक थे तुम्हारे हमारे बड़े बुजुर्ग, भले वो अंगूठा छाप और अनपढ़ थे पर तुमसे ज्यादा साइंटिफिक थे। उन्होंने सोचा, तुम्हारे हमारे बाप दादों ने,
कि ये पहला पानी जो गिरा उसकी घास गाय खाई, और ये घास खाई तो जो इसका दूध बनेगा उस घास से, तो जहरीले पानी से घास हुई तो घास भी जहरीली, जहरीली घास से दूध बनेगा गाय को तो दूध भी जहरीला। इसलिए वो जहरीला दूध बच्चों को ना पिलाया जाए, स्वयं ना पिलाए पिया जाए। कुछ दिन के एक हफ्ते तक का दूध एक काम करो कि एक हफ्ते तक का दूध फेंक दो। तो सोचे फेंकेंगे तो गोरस फेंकने का पाप लगेगा, तो क्या करें। तो लोगों ने सोचा कि शंकर जी जहर पीते हैं, चलो ये दूध रूपी जहर भी पिलाते हैं, 7 दिन तक पिलाओ। इसलिए सावन के महीने में लोगों ने वो दूध जो फेंकना था, क्योंकि वो बच्चों के काम का नहीं था, क्योंकि जहरीले पानी, जहरीले घास, जहरीले प्रकार से दूध तैयार हुआ गाय का सिस्टम, तो उसे फेंकना था, पर फेंकना उचित नहीं था, गोरस फेंका नहीं जाता, तो शंकर जी पर चढ़ाया। अच्छा, शंकर जी के मंदिर पहले नदी किनारे होते थे, शंकर जी के मंदिर पहले झरने और तालाब के किनारे होते थे, तो लोगों ने सोचा कि ये पानी दूध शंकर जी पर चढ़ाएंगे तो बहता हुआ नदी और तालाब में जाएगा तो मछलियां भी उस दूध का लाभ ले लेंगी। क्या पता था उन बुजुर्गों को कि जिन नदियों के किनारे शिवालय बनाए थे वो नदियां को आज के लोगों ने नाले बना दिए हैं। बड़े बड़े शहरों में जो नदियां थी मेरी माँ, वो नाले में तब्दील हो गई आज, बोलो हाँ या ना। बड़े बड़े तालाब थे, वो सारे तालाब समाप्त हो गए, बोलो हाँ। प्रकृति के साथ छेड़खानी तुमने की, और कहते हो कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं। अरे श्रद्धा है, चढ़ाता है आदमी, क्या बुराई है। दूध तो ऐसा है कि दूध तो कल भी मिल जाएगा, परसों भी मिल जाएगा। दूध पीने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पर शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, बोलो हाँ। तो दूध के लिए रोकथाम, शंकर जी पर दूध ना चढ़ाओ, इसके लिए पिक्चर बना दी, जबकि इस दूध चढ़ाने से किसी की जान हानि नहीं होती, जन हानि। शराब पीने से कितनी माओं का सिंदूर उजड़ गया, बहनों का, लेकिन एक पिक्चर नहीं बनाई इन लोगों ने। देखो कितना बड़ा घपला है। और आप लोगों को समझाया जाता है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो गरीबों में, आपको लगता है बढ़िया तर्क है, बढ़िया बात। बच्चे कहते हैं अरे ये भगवान, ये सब ऐसी, आजकल के नौजवान बच्चे भगवान को नहीं मानते इस चक्कर में, क्योंकि पिक्चर बना के भड़का दिया। इन लोगों ने ऐसी ऐसी पिक्चर बनाई कि लोगों की आस्थाएं भगवान से लेकर खत्म हो गई। भगवान से आस्थाएं खत्म हो गई तो देश की लड़कियों को और देश के लड़कों को आतंकवादी संगठन से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। अभी द केरला मूवी बनी है, द केरला मूवी में आपने देखा होगा, उसमें यही बताया गया कि भारत की हिंदू लड़की और लड़कियों को, लड़कों को, वो तो लड़कियों के लिए बनी पर लड़कों के साथ भी ऐसा होता है कि उनको भी अपने आप के अपने धर्म के बारे में गलत बता दिया जाता है, और फिर उन्हें कहा जाता तुम्हारा धर्म तो गलत है, हमारा धर्म सही है, आओ और हमारे धर्म में तो शरीर में बम बांध के चले जाओ, उड़ जाओ, जन्नत मिल जाएगी, ऐसा दिमाग में सेट कर दिया जाता है। लो भैया तुम्हारी हमारी बहन बेटियां आतंकवादी हो जाती है। ये सारा षड्यंत्र ये पिक्चर बनाने वालों का है। कभी विचार कर लेना मेरी एक एक बात पर। आप लोग केवल ऊपर की बातें देखते हैं, कभी अंदर झांक कर नहीं देखते कि षड्यंत्र कितना है। देश के लिए संत उपयोगी हैं, ये सुपर डुपर स्टार, ये लोग, ये सही नहीं। इसलिए अपने मन मंदिर से, अपने मस्तिष्क से इन लोगों का ये ख्याल निकाल दो कि ये आपके लिए शुभ चिंतक होंगे, आपके ना, ये शुभ चिंतक नहीं है, ये तो आपके बच्चों को गुटखा पकड़ा रहे हैं, जुआ पकड़ा रहे हैं, शराब की बोतल पकड़ा रहे हैं, शराब, बड़ी बड़ी ब्रांडेड शराब का प्रचार कर रहे हैं साहब, ये हम क्या क्या बताएं आपसे खुल के। ये लोग तो विदेशों में जो
वैश्याएं होती हैं उन्हें ला के भारत में सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। क्या क्या हम आपसे बताएं, बस ये समझो कि अपने बच्चों को यदि आज के युग में गलत रास्ते से बचाना है तो उनको पिक्चर दिखाना बंद करा दो, सीरियल दिखाना बंद करा दो, बच जाएंगे। अच्छी पिक्चरें जो हैं, जैसे द केरला मूवी है, जैसे अभी कश्मीर पर मूवी बनी, ये ठीक है कि जो सही गाइड कर रही हैं, आपको सही बातें बता रही हैं, जो पिक्चर सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। भगवान को भी कटघरे में ले आके ये लोग खड़ा कर देते हैं, अपने आप को इतना होशियार मान लेते हैं कि जी हम ही सही हैं, सब गलत है। भगवान स्वयं बन रहे हैं ये लोग। तुम्हारी बहन बेटियां आजकल कम कपड़े पहन के बाजार में निकलती हैं, ये कम कपड़े साधु संतों की देन नहीं, ये उन्हीं सुपर डुपर स्टारों की देन है। बोलो हाँ। चलो तो शंकर जी पर दूध चढ़ाना सही है कि गलत है? हाँ। गरीबों को दूध पिलाना सही है कि गलत है? गरीबों को भी पिलाओ, गरीबों की भी सेवा करो, और श्रद्धा है तो शंकर जी पर भी चढ़ाओ, कोई आपत्ति नहीं।